समाचारों की ओर। दुष्कर्म के आरोपी भाजपा पार्षद शानू शर्मा उर्फ नितिन के द्वारकापुरी निवास पर चुड़ियां भेंट करने पहुंची महिला। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीटा डांगरे, इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक रोका गया। मौके पर मौजूद क्षेत्रीय एसीपी और थाना प्रभारी से रीटा डांगरे की हुई तीखी बहस। चूड़ियां दिखाते हुए आंदोलन कर भाजपा पार्षद शानू शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। आंदोलन के दौरान मुख्य रूप रोशनी गोहर जी, भगवंता जी, शारदा जी, राधिका जी, पिंकी जी एवं अन्य महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता उपस्थित रही। किस प्रकार का जंगी प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर और किस तरह के आपके मन में आक्रोश है पूरे ये मामले को लेके जो आपने प्रदर्शन किया? देखिए, वार्ड क्रमांक 82 के पार्षद हैं बीजेपी पार्षद शानू शर्मा जी, इन्होंने एक लड़की के साथ पिछले 2 साल से लगातार गलत करते आए हैं। एक नौकरी का झांसा देके ये गलत है। आज महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार होते रहेंगे तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? अब भाजपा मुहिम चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बताइए बेटी कहाँ बचेंगी, कहाँ बड़े पढ़ेंगी? आज लाडली बहना चला रहे हैं, आपकी लाडली बहनाएं कहाँ सुरक्षित हैं ये बताइए। आज मैंने मुहिम चलाई है, जो सोनू शर्मा है वो इस्तीफा दे, बीजेपी पार्षद है शानू शर्मा है जो पार्षद है वो इस्तीफा दे, और जो आज उसी को शानू शर्मा के महिलाओं को लेकिन इधर आई थी, क्या कहा था? इतना बड़ा कृत्य करने के बाद बीजेपी अपने आप को इतना बड़ा कृत्य करने के बाद समझती है कि हम उच्च लोग हैं, हम लाडली बहना चला रहे हैं और महिला सुरक्षित नहीं है उनके राज में, क्या चल रहा है ये? चूड़ियां भी भेंट की गई है आपको? आज चूड़ियां हमने आज शानू शर्मा के मकान पे आके चूड़ियां भेंट की है और आगे ये अभी अभी मुझे रोका गया पुलिस द्वारा पूरे बलपूर्वक, लेकिन मैं आज रोका गया, कल पुतला जलाऊंगी, देखती हूँ ये मुझे कब तक रोकते हैं। आपका परिचय? महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रीटा डांगरे।